हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे सेल सेल के बारे में। सेल क्या होती है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इस सब के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हम बात करते हैं सेल सिस्ट लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई होती है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, राइबोसोम, ग्रेनुलाइज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। जो फ्लूड होता है साइटोसोल होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लोलस होता है। अब हम ऑर्गेना के बारे में एक एक करके जानेंगे, ऑर्गेला क्या क्या है। पिछली क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में बात की थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं राइबोसोम। हम राइबोसोम ऑर्गेला के बारे में बात कर रहे हैं। राइबोसोम ऑर्गेला क्या होता है। राइबोसोम के अंदर आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होती है। आरएनए 60% होता है, प्रोटीन 40% होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। आल्सो नाउन एज प्रोटीन फैक्ट्री, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। राइबोसोम स्मॉलेस्ट ऑर्गेला। राइबोसोम सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेला है, सबसे छोटा ऑर्गेला है। सेफ राउंड, इसका सेफ है जो राउंड सेफ का हो। डिस्कवरी बाई पैलेडे इन 1955। पैलेडे ने 1955 में राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम राउंड सेप का हो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं। नंबर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस आउटर सरफेस होती है, जो राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। आउटर सरफेस पे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, वह दरदरी होती है। ये राइबोसोम है जो राइबोसोम के कण पाए जा रहे हैं आउटर सरफेस पे, इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, या प्रोटीन का सिंथेसिस करने में मदद करता है। एग्जाम्पल है इसका हार्मोन और एंजाइम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते, वह एकदम प्लेन होती है, स्मूथ। हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन, यह लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस करने में मदद करती है। इट डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग, यह डिटॉक्सिफिकेशन है सम ड्रग। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस की डिस्कवरी कॉमिलियो गोल्गी ने सन 1898 में की थी। ऑल्सो नाउन एज लिपोकॉन्डिया, इसको लिपोकॉन्डिया के नाम से भी जानते हैं। हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस, यह लिपिड का सिंथेसिस करने में मदद करते हैं। गोल्जी एपरेटस को हम पोस्ट ऑफिस के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट इन ऑल सेल बट लार्जर इन दो सेल एक्सपोर्ट प्रोटीन, यह एक्सपोर्ट करने वाले प्रोटीन में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ प्रोटीन एक्सपोर्ट करनी होती है। एक्सपोर्ट प्रोटीन का मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह दे देना। जैसे कि प्रोटीन गोल्जी एपरेटस के पास प्रोटीन्स है, बची हुई है, तो वह जहाँ नीड है उस जगह उसको ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब एक्सपोर्ट कर देता है, उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट वाला जो प्रोटीन होता है वो राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। एक्सपोर्ट करने वाला जो प्रोटीन होता है वो राइबोसोम और राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है। राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो प्रोटीन होती है वो गोल्जी एपरेटस को देता है। गोल्जी एपरेटस के पास जो प्रोटीन आती है तो गोल्जी एपरेटस क्या करता है, मेम्ब्रेन्स बाउंड वेसिकल, उसको मतलब कि गोल्जी एपरेटस प्रोटीन को पैकेजिंग का काम करता है, उसको पैक करके रखता है जिससे कि वो प्रोटीन ख़राब ना हो। पैकेजिंग के बाद जब प्रोटीन पैकेज हो जाती तो उस पैकिंग हुई प्रोटीन को सीक्रेटली ग्रेनुला कहते हैं। ये प्रोटीन गोल्जी एपरेटस में स्टोर हो जाता है। जब भी हमारी बॉडी को नीड होती है प्रोटीन की, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दे देता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे एक्सपोर्ट कर देती है जिस जगह हमारी बॉडी में प्रोटीन की नीड होती है। लाइसोसोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करता है। ए WBC में प्रेजेंट लाइसो माइक्रोब को डाइजेस्ट कर लेता है, इसी वजह से इसे डिस्पोजल यूनिट कहते हैं। इसका सुसाइडल बैग दूसरा नेम है। बिसाइकल फॉर्म्ड बाय गोल्जी एपरेटस,
इट कंटेन एंजाइम, इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम हमेशा रिएक्शन का काम करते हैं, ये ब्रेक डाउन का काम करते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल इन टू स्मॉल मॉलिक्यूल, यानी कि जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं हमारी बॉडी में उनको तोड़ के स्मॉल मॉलिक्यूल यानी कि छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बायोब्लास्ट के नाम से जानते थे। बायोब्लास्ट की डिस्कवरी रिचर्ड एल्टमन ने 1890 ईस्वी में की थी। फिर सन 1898 में कार्ल वेंदा आए, तब उन्होंने बायोब्लास्ट का नेम चेंज करके माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। सराउंडिंग बाई आर डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर डबल लेयर की बनी हुई होती है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि चारों ओर डबल लेयर की बनी हुई होती है। इट इज पावर हाउस ऑफ सेल, इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। सेकंड ऑर्गेनला, लार्जेस्ट ऑर्गेनला कहते हैं इसको। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन साइट क्या है? सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ने ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंटी में ATP बनाई और CO2 रिलीज की। तो हमारी बॉडी ने, माइटोकॉन्ड्रिया ने CO2 बनाई। इस प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पायरेशन कहेंगे। अनएरोबिक रेस्पायरेशन, अनएरोबिक रेस्पायरेशन क्या है? जब हम ज़्यादा वर्क करते हैं तब उस कंडीशन में O2 की कमी होती है हमारी बॉडी में, और तब CO2 की प्रेजेंट में ATP बनाई जाती है। उसे अनएरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में O2 की कमी हुई तो ग्लूकोज के साथ CO2 की प्रेजेंटी में ATP बनाई गई, और ATP बनाने के बाद जो इलेक्ट्रिक एसिड रिलीज हुआ वो हमारी बॉडी को पेन कोज करेगा। क्रोमोसोम की डिस्कवरी बाई वेन बैंडन इन 1887 में वेन बैंडन ने क्रोमोसोम की खोज की थी। क्रोमोसोम रॉड शेप, रॉड शेप मतलब इस टाइप के रॉड शेप का क्रोमोसोम होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डेस सेल डिवीजन, यह सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेल डिवीजन टू टाइप्स के होते हैं, नंबर वन माइटोसिस, नंबर टू मियोसिस। माइटोसिस टू डॉटर सेल होते हैं, मियोसिस फोर डॉटर सेल होते हैं।